अल्फाज हैं, एक तो इसको रबाब के ढंग से इसको बजाना है। इजाजत दें तो मैं गा के सुना दूं इसके बोल। गतकारी का है, सरोद सीखने से पहले बहुत जरूरी है कि रबाब सीखे। इसे ख्याल सीखने से पहले बहुत जरूरी है दो चार बंदिशें ध्रुपद की जरूर याद हों। मैं माजरा चाहूंगा आपसे, ऐसे मैं सीख नहीं दे रहा हूं बल्कि कुछ छोटे बैठे हैं उनसे मैं मुखातिब हूं, आपसे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। या सितार बजाने से पहले सुरबहर की तालीम, उसी तरह से सरोद बजाने से पहले बहुत जरूरी है रबाब की तालीम जरूर हो। Pamabani mani ni da pamagama magar da ki da gama pani pa nahi aaye. Thank you.
ये जो भी कुछ इसके अंदर बजना है वही सरोद के अंदर बजता है। ये सरोद तो इसके बाद ही बना है, लेकिन दुख की बात है कि इसको लोग भूल रहे हैं और सरोद को अपना रहे हैं। ये तो बहुत हसीन साज है। वजीर खान साहब रामपुर वाले यानी उस्ताद हाफिज अली खान साहब के और उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के जो उस्ताद थे, थोड़ा सा उनका रबाब का बाज मैं आपको सुनाता हूँ।
جو ہندوستان کے بہت ہی ایک بے مثال بزرگ ہوئے استاد حافظ علی خان صاحب اور استاد علاء الدین خان صاحب, یہ انہی کے شاگرد تھے. رام پور کے جو استاد وزیر خان صاحب تھے, نواب ریاست میں تھے وہ وہاں پہ. وہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں, ایک تو اس طرح سے ایک جواب ہے, ایک تو یہ ہے اور ایک اس کے ایک ہی ہے, لیکن یہ دونوں مل کے چل رہے ہیں. شور میاں آ جا گلے